प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद जहां तहां विरोध के स्वर फूटे लगे हैं, इसका असर शुक्रवार को ग्वालियर में भी देखा गया, जहां कांग्रेस के दावेदार रहे राजेंद्र सिंह तोमर के घर असंतुष्ट कांग्रेसी जुटे। यहां योगेंद्र तोमर, बीरेन तोमर, अशोक तोमर, सौरभ सिंह तोमर सहित अन्य लोगों ने एक सोर से कांग्रेस के कोषित प्रत्याशी सुनील शर्मा का टिकट बदलने की मांग की। इन सभी लोगों ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर ग्वालियर विधानसभा टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की है, अन्यथा वे अलग रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे, ऐसा उनका दावा है। उनका कहना है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कांग्रेस को जिताऊ सशक्त उम्मीदवार कोली विधानसभा से प्रदेश के कद्दावर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कोई सशक्त कार्यकर्ता उतारना था। कांग्रेस के यह नेता एक तरह से अपने अभी से यहां अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए पार्टी के साथ यह लोग वितर्कात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के घर पर बुलाई इस पत्रकार वार्ता में सभी क्षेत्रीय दावेदार मौजूद थे, इसमें बीरेन तोमर, अशोक तोमर भी शामिल हैं। पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी के दिए हुए टिकट के खिलाफ आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या है? देखिए, पहली बात तो आप एक बहुत अच्छे से जान लें कि पार्टी ही हमारी सब कुछ है और पार्टी के हम हैं सच्चे कार्यकर्ता, ठीक है। अब पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का और प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो अगर खुल के कोई बात कहता है अपने घर में तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उद्देश्य सबका बड़ा साफ है कि पार्टी के हित में जो भी अच्छा हो, जो पार्टी की सीट निकाल पाए ग्वालियर 15 से, ऐसा हमारा मानना है कि पार्टी को उस पर सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय को यानी ठाकुर को टिकट दिया और यहाँ से भी आप ठाकुर को टिकट की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण इससे होता, कहीं ना कहीं आप मांग कर तो ध्रुवीकरण की बात नहीं है। पहले भी बीजेपी कांग्रेस दोनों क्षत्रिय लड़े हैं और क्योंकि ये क्षत्रिय सीट रही है शुरू से, तो हर दल से ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, दोनों दल से छत्रे पहले भी लड़ चुके हैं। आप कांग्रेस की बात करने की बात कर रहे हैं, मगर पूरे मध्यप्रदेश में विरोध शुरू हो गया है, कांग्रेस का रोड है। कहाँ विरोध शुरू हुआ है? अपनी बात रखना एक अलग चीज़ होती है, विरोध एक अलग बात होती है। ये बात रखना, कोई विरोध नहीं है अपने पार्टी को लेकर, देखिए उनका उनका संबंध बहुत अच्छा है और वो खुल के बात करते हैं। यदि आपको, यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है क्योंकि अभी तक आपकी बात सुनी तक नहीं गई है, तो किस तरीके से देखेंगे आप आगे? बहुत जल्द आपको दोबारा से मुलाकात होगी और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत जल्द।